तमाम वीडियो देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहली बात कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसका मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप इस तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे, मुझे प्यार देते रहेंगे, तो यकीन करें मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। और आपकी जो फरमाइशें आ रही हैं मेरे पास, इंशाल्लाह मैं उनको भी जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बर्गर ब्रोस्ट की जान, कोसलो। कोसलो कैसे बनता है? बहुत आसान है, बस कुछ ख़ास सामान है इसका और एक तरीक़ाकार है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ इंशाल्लाह वो रेस्टोरेंट स्टाइल है, कमर्शियल रेसिपी है ये, जो आप घर में भी फॉलो कर सकते हैं। ये गोभी मैंने काट दिए, इसको बाउल में डाल देंगे। अब मैं काटूंगा ये पर्पल गोभी, इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। ये मैंने पर्पल गोभी काट ली है, मैं डालता हूँ उसको बाउल में। मैं इसमें एक टेबल स्पून नमक डालूँगा, थोड़ा मैंने खीरा मैंने काट के रखा हुआ ये डालूँगा, गाजर मैंने कद्दूकस की हुई है ये डालूँगा, एक चमचा मैंने इसमें चीनी डालनी है, और इसमें मैं डालूँगा मेयोनीज। मेयोनीज की रेसिपी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। इसको मैं करूँगा मिक्स। बस इसको दो घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये सब चीज़ें इसमें जज्ब हो जाएं, मेयोनीज और सारे इंग्रेडिएंट जो हैं। जी बस हमें ये दो घंटे हो गए तकरीबन फ्रिज में रखा हुआ है। कोसलो को हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं बाहर, देखिए कैसे परफेक्ट कोसलो बनाए। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और टेस्ट करेंगे कैसा बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा व्यूअर, एकदम मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनाए। मेरी रेसिपी को फॉलो करें, घर में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो व्यूअर्स, खाते पीते रहो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।